निर्दलीय प्रत्याशी जीवन जादो आज कई शहरी क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जोरदार तरीके से लोग स्वागत भी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जीवन जादो की, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और महिलाएं इन्हें घेरी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब कि इनको चारों तरफ से आकर के बातें कर रही हैं कि आखिर जीवन जी आपको हम लोग वोट दें तो भाई किस लिए वोट दें। और जीवन जादो का कहना है कि हम लोगों ने काम किया है, बाकी और किसी ने काम नहीं किया है। तो जीवन जादो देख सकते हैं चलते हुए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, चलते हुए हम बात करेंगे इनसे। जीवन जी, कुछ लोगों का कहना है जो दल से लड़ रहे हैं कि निर्दलीय जो भी लोग हैं वोट कटवा के रूप में है, लोग अब इनको कुछ आने वाली नहीं। एक बात बता रहे हैं, जब बिलाई छटपटा, जब आदमी हारता है ना तो छटपटाने लगता है, सत्य है। तो जो लोग देखे, निर्दल क्या दल क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि सिवान की जनता किसको पसंद करती है, सिवान की जनता किसको पसंद करती है। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, सिंपल तरीके से रहता हूँ, मुझे कोई भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। मैंने रास्ता चुना राजनीति का, सेवा के रूप में राजनीति भी करता हूँ तो सेवा के रूप में करता हूँ। और लोग राजनीति करते हैं तो अब देख लिया जाए कि राजनीति कौन कर रहा है, सेवा कौन कर रहा है। अगर सेवा से राजनीति नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी से और अपराध से राजनीति, आपराधिक रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि कोई आपराधिक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो, जैसे मेरा भी एक सेंचुरी हत्या कराए होते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, ऐसी राजनीति है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। मैं सेवा ही सिवान में कहाँ कोई उस तरह का उम्मीदवार क्या है क्या कि जो हत्या कराया हो। और जो अभी फेसबुक पे मैं सुबह पढ़ रहा था, 100 के नीचे किसी की हत्या नहीं है। कौन लोग हैं ये दल वाले कौन लोग हैं? दल में जो होंगे, क्या विजय लक्ष्मी है, क्या हिना साहब है, क्या अवध बिहारी चौधरी है, कौन लोग हैं? अरे जो लोग कह रहे हैं कि हम सेवक हैं, जो सिवान की जनता से छिपा नहीं है कि कौन अपराधी है कौन सेवक है, कौन अपराध काल में अब आज सेवक बन रहा है। मैं सेवा किया हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिवान की जनता को पता है। और सेवा के माध्यम से राजनीति में हूँ, अगर सेवा के माध्यम से राजनीति नहीं है, अगर अपराध से राजनीति है तो मैं फिर से सेवा और बिजनेस करूंगा। लग रहा है जीवन जी कि सिवान में अभी तक अपराध समाप्त नहीं हुए, क्या वही 2005 के पहले वाला सिवान आज रहा है क्या, आपको क्या लग रहा है? लगता है कि अगर मजबूत कड़ी अगर चुनाव आज जीतते हैं लोग तो सिवान में लोग कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बनाएंगे, अपराध का गढ़ बन जाएगा सिवान, रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा, बहन बेटियों की इज्जत जो आज से पहले उठा ले जाते थे लोग खतरे में। समय वो समय है क्या, आप तो सुशासन बाबू की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार है। देखिए अपराध खत्म नहीं होता है, अपराध रोका जाता है, कम होता है। अपराध तो आज भी है लेकिन रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जी देखिए, सिवान की भूमि 2009 से ही पलटवार कर दी अपराध के खिलाफ। अब हमें नहीं लगता है कि सिवान में पुराना चेहरा और चाहे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग को चुनाव सिवान की जनता एक्सेप्ट करेगी, मुझे भरोसा है। अगर सिवान की जनता उन अपराधियों को एक्सेप्ट कर लेती है, जातीय प्रथा पे चाहे आपसी लड़ाई के चलते, आपसी जाति प्रथा के लड़ाई में अगर कोई अपराधी चुनाव जीतता है तो कहीं ना कहीं सिवान के लिए दुर्भाग्य होगा। अच्छा, सिवान का जो चुनाव है क्या वाकई में इस बार भी जातीयता हावी है, आपको लग रहा है? दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोपेगेंडा काम आएगा। इस बार सेवा ही काम आएगा, बदलाव जरूरी है। जनता ने जब, हम चुनाव से पहले 6 महीने पहले हम घूमते थे, जहाँ तहाँ जाते थे, न्योता में लोगों से मिलते थे, तो लोग कहते थे कि इस बार नया चेहरा आएगा, नया चेहरा आएगा। लोग उब चुके हैं पुरानों चेहरों से, तो जब नया चेहरा आएगा तो मुझे छोड़ के इसमें नया कौन है कोई? सबके चेहरे देखे हुए हैं, सबके चेहरे देखे हुए हैं। कोई पति के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई दिल्ली के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई बिहार के नाम पे वोट मांग रहा है, मैं तो अपने काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। लेकिन अगर जाति प्रथा और आपराधिक रिकॉर्ड के तहत अगर चुनाव में राजनीति में जीत हाथी होती है तो हम जैसे सेवक, बिजनेस और सेवा ही जरूरी है करना, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले आएंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट दुश्मनी हो रहा है, खतरा जान का भी रहेगा। अरे जान का खतरा तो बढ़ ही रहा है, तो सेवा कर रहे हैं तो खतरा नहीं ना है, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं तो खतरा तो है। अगर मान लीजिए कि कल के डेट में हम लोग चुनाव लूज करते हैं और लूज करने के बाद
लगता है कोई अपराधी आता है तो टारगेट करेगा ना हमें। आपको लग रहा है क्या कि चुनाव आप लूज कर जाएं? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने एक बात आपने उदाहरण आप दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अपराधी रिकॉर्ड वाले लोग चुनाव जीतेंगे, अगर जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के जान के खतरा हो, सिवान के भी। लग रहा है कि अब अपराध या किसी तरह का अगर लोग बढ़ावा देने जा रहे हैं तो सिवान के लोग बर्दाश्त करेंगे? आपको ऐसा लग रहा है क्या? तुरंत हमें तो लग रहा है कि लोग तुरंत जवाब देंगे, चाहे जो लोग। देखिए अगर जवाब नहीं देते ना तो इस बार चुनाव मान लीजिए 21 तारीख है, परसों दो दिन प्रचार है, चार दिन में चुनाव है, और कहीं कुछ भी सुनने को नहीं, मेरा साइलेंट एकदम वोटर है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में बदलाव है, राजनीति में बदलाव है और सिवान में बदलाव है, और सिवान में बदलाव का कारण है कि जीवन यादव जैसे ही नेता आएंगे, इसीलिए वोटर साइलेंट है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, आपने कहा कि साइलेंट वोटर है, जो भी नेता है चाहे कोई भी है, दल वाले हो निर्दल हो, सभी लोग जा रहे हैं और जनता बिल्कुल उनको क्रीम लगा रही है, ठंडा पिला रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रही है, माला पहना रही है, और 25 तारीख को जो करना होगा करेगी। आपने भी कहा है कि साइलेंट वोटर है। नहीं नहीं, क्रीम लगा रही है, ठंडा पिला रही है ना, तो उस जाने से पहले वहाँ 20,000 का पैकेट भेजवाया जा रहा है, हम तो घूम रहे हैं ना, भाड़े पे आदमी बुलाया जा रहा है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, ठीक है, सबको पता है कि कौन पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहा है या कौन सेवा के बल पर चुनाव लड़ रहा है। रिकॉर्ड जाइए बढ़रिया में देखिए ना, कॉली हम गए थे, देख रहे थे, पैसा बटा रहा था, हम तो बोल रहे थे हर बस्ती में जाके, हम अपने भाइयों से बोल रहे थे, दलित बस्ती में भी गए थे, बोले सबसे भाइयों से कि देख लीजिएगा लोग, एक वोट की कीमत ना मुख्यमंत्री के बराबर होता है, एक मुख्यमंत्री भी वो एक ही वोट देते हैं, हम लोग भी एक ही वोट देते हैं, तो एक वोट की कीमत है, और बदनाम गली से अच्छा है कि नाम गली हो। जो मार्केट में र्यूमर है कि बड़े बड़े नेता सोचते हैं कि हम वोट खरीद लेंगे, उस बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत है, गंदगी में जाने की क्या ज़रूरत है, जहाँ रोड नाला सफाया नहीं, एकदम कचड़ा है, आप लोग रहते हैं तो कचड़ा है, और उनको जाने में घिन बढ़ता है, तो जब वोट देने की बारी आती है तो उनको कोशिश कीजिए कि उस कचड़े में उतारिए। समस्या है आप ही के लोकसभा क्षेत्र सिवान से, बड़का गाँव में स्कूल की समस्या आपने देखा होगा, हम लोग थे कवरेज कर रहे थे और नीतीश कुमार के सामने जिस तरीके से युवा बोल रहे थे, वीडियो हम लोग के पास है, और उसके बाद आपके भी नारे लगने लगे वहाँ पे, क्या कुछ करेंगे उसके लिए? आप तो बहुत सारे काम किए हैं, चाहे जिस चीज से जुड़े, हम आपको बता रहे हैं जो डिमांड है उनका, मुख्यमंत्री जी काहे पूरा नहीं की तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम एमपी बनते हैं तो हाई स्कूल का निर्माण होगा, हम छपिया में हाई स्कूल का निर्माण करवाएंगे, गोपालपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाएंगे, ऐसे बहुत सारे लिस्ट बना के रखे हुए आपको आज ये बताए, घूमे हैं, लोगों की समस्या सुने हैं, तब ना हम जानते हैं कहाँ स्कूल की समस्या है, कहाँ रोड की समस्या है, कहाँ नाला की समस्या है। अब धुरावधा में चले जाइए तो एक गांव है जहाँ नाला ही नहीं है, घर के सामने गढ़ा खोन के लोग पानी गिराते हैं, आज तक 20 साल से कह रहे हैं लोग कि पानी ऐसे गिरता है, कोई नाला बना ही नहीं, मुखिया भी नहीं बनवाता है, पता ना कौन है, तो मुखिया जीतता कैसे है, तो कोई नहीं बनवाता है, हम उसको लिस्ट में डाल दिए, तो ऐसी हजारों समस्याएं हमने नोट करके रखा है, और मेरा मकसद है सिवान का हर समस्या का निदान करना, मेरा मकसद नहीं है कि मैं घर का नेव कमजोर करूं और 3 तला मकान को टाइल्स लगा के मार्बल लगा के साफ सुथरा दिखाऊं, जैसे भात दल खा के निकलूं घर से और बाहर दांत खोदूं कि मीट खा के निकलाऊं, वो काम मैं नहीं करता हूं, मैं काम करूंगा जो दिखेगा, मैं जो जमीनी स्तर पे काम करता हूँ जमीनी स्तर पे ही काम करूँगा। यादव आपके समाज के नेता हैं और उनका कहना है कि मीसा भारती जीतेंगी वहाँ से, पाटलिपुत्र से, रोहिणी आचार्य छपरा से जीतेंगी, और सिवान उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि हिना साहब से पुराना रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता रहा तो हम वहाँ पे मदद कर रहे हैं, मैंने जीतेंगी उन्होंने कहा है कि भाई वो तो हाथ जोड़ के पप्पू जी आपको कह रहे हैं, इसीलिए आपका नाम पप्पू जी है, आप ही सर्टिफिकेट बांटने लगेगा तो आप सेवक है तो कहा हम लोग कहा है, हम क्या करते हैं रोड पे, इसे दिन भर टाइम पास थोड़े करते हैं, जो आप काम किए हैं 15,000 एकड़ जमीन के साथ हमने अपनी ज़िंदगी कमाया है, पिताजी का एक दूर ज़मीन नहीं बेचे आज तक, दादाजी का एक दूर ज़मीन नहीं बेचे, जो कमाया है वही पैसा बेच के समाज को खर्च कर रहा हूँ, अब बहुत बड़े बाप के बेटा नहीं हूँ, करकट में पैदा हुआ था और अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत मेहनत किया, घर त्याग करके गोरखपुर के जो मैंने पैसा कमाया समाज में खर्चा कर रहा हूँ, मेरे दादा परदादा भी छोड़ के गए होते ना तो मेरे नाम के साथ समाज सेवी लगता, तो मुझे लगता मेरे परदादा ने नहीं बनाया है, जीवन यादव ने अपना अस्तित्व तो खुद बनाया है, और समाज सेवी का टैग हमने मुँह जबानी नहीं लिया है, समाज ने दिया है, मैंने काम करके दिखाया है और ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाया है, तो दो तरह से हम हैं, सेवक भी हैं और अपने मेहनत के बदौलत हैं, पिताजी के बदौलत नहीं है। अंतिम सवाल देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं इधर मदद हो रहा है उधर, हैं उधर मदद हो रहा है उधर, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक लोगों के लिए खुल के बताते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, जो भी लोग
हैं इधर उधर मदद कर रहे हैं, किसी को विधायक बनना है, किसी को मुखिया बनना है, किसी को जिला पार्षद बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, किसी को जमीन की दलाली करना है, किसी को कब्जा करना है, तो ऐसे सारे लोग जाहिर सी बात है कि वहीं रहेंगे जहाँ खूंटा मजबूत होगा, क्योंकि कमजोर के साथ कोई नहीं देता है। ये दुनिया का नियम है, संसार का नियम है कि खूंटा माने ताकतवर के साथ ही लोग जुटते हैं कि भाई हम रहेंगे तो हमारी हिफाजत, हमारा मदद होगा। तो जितने ठेकेदारी प्रथा वाले लोग हैं, राजनीति वाले लोग हैं, वो खूंटा मजबूत पकड़ लिए हैं, लेकिन जनता को खूंटा से मतलब नहीं होता है, जनता को नेता सेवक के मतलब होता है, साहेब से मतलब नहीं है। आने वाला समय 4 जून क्लियर कर देगा कि खूंटा मजबूत से मतलब नहीं है कि खूंटा मजबूत रही में भैंस बनाई ना, गाढ़ा में भी मैं इसके छोड़ दिए, पानी में जाकर आराम से सूत रही, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं। तो इस बार की लड़ाई मजबूती से नहीं, दिलेरी से नहीं, प्यार से जीता जाएगा। समाज को जो जीतेगा प्यार से, वही चुनाव जीतेगा, क्योंकि सिवान बदल गया है। आज सिवान को अब अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाला नेता चाहिए, अपराधी नेता नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जादव जी से बात करने के लिए। आपने देखा बिल्कुल पुराने अंदाज में जीवन जादव ने आज बातचीत की है। देखना होगा 25 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।